आजादी किसे अच्छी नहीं लगती। आज जिस चीज का जश्न मना रहे हैं, यह जश्न साधारण सी उपलब्धि नहीं है। बड़े कष्टों से हमें आजादी मिली है और इस आजादी के लिए हमारे भारत के नौजवानों ने बहुत कुर्बानी दी है। यहाँ तक कि न जाने कितनी माताओं की मांग उजर गई, इस आजादी के लिए कितने कुर्बान हो गए। इनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वह बहुत कम है। अंग्रेज के चंगुल से हमें मुक्ति बड़े संघर्ष के साथ मिली। अंग्रेज जो यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, हमें सब जवाब दिखाने के लिए आए थे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें केवल प्रताड़ना मिली, हमें केवल परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह भारत के नौजवानों को मूर्ख बनाने का काम किया, भारत के लोगों को लूटने का काम किया, भारत की जमीन को छीनने का प्रयास किया और इस तरह से हमें इतना कष्ट दिया कि हम उनके खिलाफ कभी कोई आवाज न उठाएं। लेकिन आप इसे कब तक दबा सकते हैं? भारत के नौजवानों ने ऐसा ठान लिया कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसात्मक आंदोलन से हम भारत को भगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अहिंसा के रूप में महात्मा गांधी ने तो प्रयास किया कि हम अगर हमारे गांव में एक तमाचा कोई मारता है तो हम उसको दूसरा गांव बढ़ा दें ताकि दुश्मनों का सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन ये अंग्रेज इतने बेशर्म थे कि ऐसा नहीं हो पाया। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि हमारे एक गांव में कोई एक तमाचा मारता है तो हम उसके दूसरे गांव में दूसरा तमाचा देंगे, उसके बाद ही अंग्रेज से हमें मुक्ति मिल सकती है। जब तक हम इससे डरते रहेंगे तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। और इतने अथक प्रयास के द्वारा हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। आज उसी आजादी के जश्न में हम सभी भारतवासी, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये भारत सबों का है, यह केवल किसी एक जाति की नहीं है। अगर हमारी जाति है तो मानव जाति है और मानव जाति की सेवा करना ही हमारा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, यही तो मेरा नारा है। हम सभी मिलकर अपने देश को सजाएं, हम सभी मिलकर अपने देश के प्रभुत्व की रक्षा करें, हम सभी अपने देश की आजादी के लिए मर मिटने की कसम खाएं। आज इसी के जश्न में हम लोग हर साल प्रतिवर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करते हैं। इन्हीं बातों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।